नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित सिंह सौर्या। आज हुसैनगंज प्रखंड के हरियास के मलिकाना मोहल्ला में आज मुहर्रम के पवित्र महीने में आज यादगार हुसैन में अब्बास अलमदार का आलम पेश किया गया। वहीं याशु पोपलापुरी ने बताया कि इस आलम के पास आसपास के लोगों ने बहुत सारे मन्नतें मांगी और फातिया पढ़ा, जिससे यासूब गोपालपुरी ने करबला का पूरा बयान किया और बताया कि हम सबको मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यहाँ तक कि जानवरों को भी पानी पिला दो। अब भैया ये ख्याल करना कि एक ही लपन में पानी का बर्तन सामने उसको खिलाए। जानवर तीन दफा में पानी पीता, जब तीन दफा पानी के मुंह हटा दे तो समझो कि सहरा हो गया। बस यही वो किरदार था दोस्तों के, जिसने जनाबे खून के हक में जो जुल्म का गंजीना था, जुल्म का खजाना था, वो टूटा। अरे मैंने हुसैन को बताया दूसरे पानी पिला दें, दूसरे हमें खाना पिला दें। बस यही थे दोस्तों सब आजू आई जनाबे हुर टहल जाए। तो सच्चा इस्लाम है, अगर अपने चलाने के लिए अपने को मतलब से हटाना पड़ेगा, मतलब को घर के अंदर छोड़िए, तब आपके पड़ोस में सिख है, ईसाई है, हिंदू है देखेगा। अरे यही के जनाबे हुर कभी आंसू मंडला है, मंडलाते मंडलाते एक वक्त ऐसा आया अपने बेटे से कहा, बेटो मुझे खिदमत हुसैन में ले चले। जनाबे हुर चले अगतानो, जनाबे हुर अपने बेटे से कहा, बेटो ऐसी क्या हाथ मांगा जाता है, अगतानो हाथ मंगवाए हुए जनाबे हुर खिदमत में मां मेरा फरमाया मौला आका मेरे खता माफ हो सकती है। तमाम उसे अल्लाह देते हो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम दुनिया में भी आजाद हो और आखिरत में भी आजाद हो। अगर करो मसाय कभी कबूली कर जा रहा है, लेकिन उसको मोड़ते हुए अब ये करना है कि अगर मुसलमान किरदार पर आ जाए तो कल यकीनन इमाम हुसैन की कुर्बानी एक अजीम कुर्बानी है। इमाम हुसैन ने न सिर्फ इस्लाम को बचाया बल्कि आलम इंसानियत को बचाया, नमाज को बचाया, रोजा को बचाया, हज को बचाया। इमाम हुसैन ने न ही सिर्फ इस्लाम बचाया है, न ही सिर्फ इंसान को बचाया है, बल्कि पूरी इंसानियत को बचाया है इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन ने उस दीन को बचाया है जिसे तमाम नबियों पैगंबर ने इसे फैलाया था, और ये दीन जिसे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आलम ऐसा है कि ये पूरी दुनिया में ये आलम शांति के नाम से याद किया जाता है। किसी मुल्क का झंडा किसी मुल्क में लहरा दीजिए बगावत की अलामत है, लेकिन ये जो आलम है ये सारी दुनिया में हम शांति मोहब्बत भाईचारे ये आलम जनाबे इमाम हुसैन के सेनापति जिनको कहते हैं आलमदार, उनकी याद में ये आलम निकाला जाता है। जनाब अब्बास इतने बहादुर थे, वो चाहते तो अकेले सारे फौजी दिल्ली को उलट गए थे, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान दे दिया। ये जान देना किस बात की दलील है कि जो अलम